ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसी रीडिंग लेके आए हैं जिसको आप सब ने बहुत पसंद किया था, और वो थी पिछली बार हमारी अप्रैल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। अभी इसी तरह हम मई की रीडिंग्स लेकर आए हैं कि मई में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं या कौन सी चीज़ें हैं जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में होने के। सो हम उसको इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को आप नाम राशि, अपनी जन्म राशि जो है यानी कि सन एंड मून साइन दोनों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जिससे आपको रेजोनेट होता है, जिससे आपकी सटीक भविष्य बैठता है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो ये रीडिंग हमारा आज का मेन होगा और ये जनरल रीडिंग होगी, ज़बरदस्ती इसको थोपने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी ये रीडिंग बैठती है आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। और दूसरी एक बात जो मुझे कहना है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर करा करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करा करें। और ठीक है फ्रेंड्स, सो जल्दी से अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो माई डियर जेमिनाय यानी कि मिथुन राशि, सो एक मई मंथ की सबसे बड़ी दो भविष्यवाणी जो हम बनाने लगे हैं वो है आपके लिए। देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कार्ड्स में क्या आता है, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे, लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे मई मंथ की। सो सबसे पहली क्या भविष्यवाणी दिख रही है, फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है फ्रेंड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है जहाँ पे हम एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर एक ऐसा पर्सन होता है जो हमें हरा के बहुत खुश है। वो हम भी हो सकते हैं, वो सामने वाला भी हो सकता है। बहुत ईगो, बहुत जलन, बहुत द्वेष भावना मन में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। आइए देखते हैं कि क्या है इसकी गाइडेंस, किस तरह से ये फाइव ऑफ सोर्ड्स आपकी लाइफ में दिख रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मुझे ये दिख रहा है जेमिनाय कि आप ना किसी, या तो आप खुद एक फीमेल हैं या आप किसी फीमेल से, ऐसी फीमेल से डील कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा आपके लिए लाइफ में एक ऐसा मुकाम पे आपको ले आई है जहां पर आप उसके साथ शायद ईगो बैटल में फंस गए हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे एग्जैक्टली लाइफ में इसके वजह से मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है, आपको खुद ही नहीं पता लग रहा। आप ना उसके साथ भिड़ गए हैं, ठीक है। रिजॉल्व करने की बजाय उस प्रॉब्लम को, या सॉल्व करने की बजाय आप शायद बहुत ज़्यादा भिड़े हुए हैं अभी उस पर्सन के साथ। इन द मंथ ऑफ मे जो चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन में आप कुछ क्लैरिटी की उम्मीद करेंगे, आप कुछ क्लैरिटी की शुरुआत करेंगे। हालांकि बहुत कम क्लैरिटी दिख रही है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि बहुत स्मॉल एनर्जी है, बट ये जो कन्फ्यूजन है इसमें आपको कुछ क्लैरिटी धीरे धीरे मिलनी शुरू होगी। एक इनिशिएट हो जाएगी चीज़, एक जैसे कहते हैं ना अंकुर पड़ जाना किसी चीज़ का, कि उसी से बाद में जाके पौधा बनना है। आप खुद एक छोटा सा अंकुर डालेंगे कि किसी तरह ये जो लाइफ में मेरी कन्फ्यूजन आई है, और जो इतना ज़्यादा इस फीमेल के साथ मेरा झगड़ा कंटिन्यू चल रहा है, जो मेरी लाइफ में मेरे लिए टू मच स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है, या टू मच मुझे वो करने में लगी है कि जो मैं नहीं चाहता, आप उस चीज़ में आगे एक कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे। सबसे पहली भविष्यवाणी मुझे ये दिख रही है मई मंथ की। अगला हम देखते हैं आपके लिए कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जो कि एक पैशनेट पर्सन का है। बहुत तेज़ी से, बहुत यंग एनर्जी, आगे बढ़ने की कोशिश करना, चीज़ों को पाने की, चीज़ों में क्लैरिटी लेके आना। ये देखते हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड एस ऑफ सोर्ड्स।
सो कहीं ना कहीं आपके पहले रीडिंग से यानी कि पहले भविष्यवाणी से ही ये दूसरा लिंक्ड है कि जब आप उस पर्सन से, उस सिचुएशन से, उस जगह से एक क्लैरिटी ले लेंगे, जो सेकंड भविष्यवाणी है, जहां जिस रिलेशनशिप में, जिस ऑफिस में, जिस बिजनेस में, जहां आपको पिछले कुछ टाइम से आइसोलेटेड फील हो रहा था, अलग सा फील हो रहा था कि मुझे ये नहीं पता चल रहा, मुझे करना क्या है, मुझे इसे संभालना कैसे है, मुझे इससे डील कैसे करना है, आप उस सिचुएशन में पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए केयर फ्री एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल होने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही नहीं दिख रहा कि बस हाँ मैंने उसे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया था, इसलिए अब मुझे मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ रहा है। नहीं, आप बहुत दिल से, बहुत आत्मा से पुरानी चीज़ों को छोड़ कर बहुत अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी कि हाँ ठीक है, ज़िंदगी की अब एक नई शुरुआत करूं और एक ऐसी सक्सेसफुल शुरुआत करूं, पैशनेटली आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़े से अभी आप कच्चे हैं, लेकिन धीरे 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे, बट उसकी एक बहुत अच्छी बिगनिंग होती नज़र आ रही है, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है। ठीक है, सो ये दोनों भविष्यवाणी है फॉर जेमिनी मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ मे, जो कि आपको ध्यान रखनी है और ये चीज़ें आपकी लाइफ में होके रहेंगी। सो आपको इन्हें कैसे अपनी पॉजिटिविटी के साथ यूज़ करना है, ये अब आपके ऊपर है। हम आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस निकालेंगे। क्या है ओवरऑल गाइडेंस जो मे मंथ के लिए है जेमिनी के लिए, वो हम देखते हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ द की। देखिए, अगर वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई पर्सन आपके साथ ज़बरदस्ती से बहुत ज़्यादा हाइपर होकर आपको बहुत ज़्यादा कटाक्ष कर रहा था अब तक, या फाइव ऑफ सोर्ड्स का जो झगड़ा चल रहा है आपका, आपको बातों को क्लियर बोलना है, आपको झगड़ना नहीं है लोगों के साथ। ठीक है, सो कम्युनिकेशन से यूज़ करें, या अगर किसी फीमेल की वजह से, उस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से, या कोई ऐसा मेल भी हो सकता है जो इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई फीमेल ही होगी आपकी लाइफ में, तो आपको ऐसे पर्सन से बहुत समझदारी से, दिमाग से मैन्युपुलेट करके उसको डील करना है, ना कि बेवकूफ़ियों से चलना है। ठीक है, ये आपकी सबसे पहली गाइडेंस है। आइए दूसरी गाइडेंस देखते हैं क्या है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो ये ना हो कि आपको अब तक कुछ चीज़ें हासिल हुई हैं लाइफ में, तो आप सोचें कि मुझे तो आगे भी सब कुछ होगा और मैं जो चाहूँ वो कर लूँगा। इस वाली फीलिंग में कोई भी नहीं आना जेमिनी, कि मेरा जो मन करेगा वो मैं कर लूँ। थोड़ा सा आप ह्यूमिलिटी के साथ चीज़ों को करें, डाउन टू अर्थ होकर, ग्राउंडेड होकर रहें। ठीक है, अगला है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो ज़बरदस्ती एक ही चीज़ में बिना रिस्क लिए ना फंसे रहें, थोड़ा सा एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा टू गो बियॉन्ड, टू हैव समथिंग इन योर लाइफ। तो वो बियॉन्ड द लिमिट जाओगे तभी चीज़ें आपके हक में आएंगी और आपके अकॉर्डिंग चलेंगी। ठीक है, सो ये है माई डियर जेमिनी आपकी रीडिंग। अगर आपको इससे क्लैरिटी मिली हो मे मंथ के लिए, सो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय फॉर नाउ।